मुंबई ड्रग्स मामले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर दोपहर 12:30 बजे अब सुनवाई होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एनसीबी आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल कोर्ट से एनसीबी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कल आर्यन और 7 अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब इस पूरे मामले पर आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर 12:30 बजे सुनवाई होनी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आर्यन खान। इस बीच कल की रात जो है एनसीबी दफ्तर में ही आर्यन के गुजरी। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सबके आ चुके हैं, सभी नेगेटिव हैं। जितने भी आरोपी अभी पकड़े गए हैं सभी नेगेटिव हैं। और इस बीच जो है बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर यहां भी जमानत अर्जी खारिज होती है तो सीधे आर्थर रोड जेल ले जाया जा सकता है आर्यन खान को। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की एक तरह से किस्मत का फैसला आज मुंबई के मजिस्ट्रेट करने वाले हैं। आर्यन को पहले एक दिन की और फिर 7 अक्टूबर तक की कस्टडी किला कोर्ट ने दी थी, और इस दौरान एनसीबी ने उन्हें ड्रग्स को लेकर काफी पूछताछ भी किया। पकड़े जाने के बाद एनसीबी की हिरासत में है आर्यन। तो आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं, देखिए एक के बाद एक घटनाक्रम, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी हुई। आर्यन को एक दिन की रिमांड पर एनसीबी को सौंपा गया। 3 अक्टूबर को दोबारा पेशी हुई, जिसके बाद हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ गई, यानी कि 7 तारीख तक, 7 अक्टूबर तक बढ़ गई थी। फिर तीसरी बार पेश कोर्ट ने जेल भेजा। सीधे चलते अपने संवाददाता अरविंद ओझा के पास। अरविंद, फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी? अरविंद, 12:30 बजे बताया जा रहा है पेशी होने वाली है आर्यन की, इस बीच जो है, इस बीच क्या जानकारी? जी देखिए, इस वक्त मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में मौजूद हूं, और जो एनसीबी के जोनल चीफ ने आज तक को कहा है कि अब से कुछ देर बाद जो तमाम आरोपी हैं, 8 आरोपी जिनमें महिलाएं हैं, उनको बाइकुला जेल ले जाने की तैयारी है, जबकि आर्यन समेत बाकी जो मेल कैदी हैं कि उनको ऑथर रेड जेल ले जाने की तैयारी है। इस वक्त यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ही दफ्तर में सभी आरोपी, जो 8 आरोपी हैं, वो मौजूद हैं। एनसीबी का कहना है कि चूंकि अदालत ने सिर्फ इस रात भर के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर को अस्थायी जेल में तब्दील किया था, गुजारिश की थी, इस वजह से तमाम आरोपियों को, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत तमाम आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर में रखा गया था। लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने आज तक को बताया है कि अब से कुछ देर बाद जो आरोपी हैं, आर्यन खान समेत जितने मेल आरोपी हैं, उनको ऑथर रोड जेल ले जाया जाएगा, जबकि जो महिला जो आरोपी हैं उनको बाइकुला जेल ले जाएगा जाया जाएगा। और अगर इस दौरान जो कोर्ट से बेल मिल जाती है तो फिर ऑथर रोड से ही उनको रिलीज किया जाएगा, ऐसा समीर वानखेड़े का कहना है। देखिए, जमानत अर्जी दाखिल हुई है, लेकिन 3 ऐसे आरोपी हैं जिनके पास, आर्यन जिनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ ड्रग्स, 2 ऐसे आरोपी हैं अरबाज और मुनमुन। इन 3 आरोपियों की मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होगी और वहां से उनको जमानत मिल सकती है, लेकिन जिनके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुई है उनको हायर जेल से ही जमानत हो पाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि आज मजिस्ट्रेट से जमानत मिल जाए, हालांकि देखना होगा कि क्या होता है अदालत में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि वो अदालत में पूरी तरह से चैलेंज करेंगे, जमानत का विरोध करेंगे। और इन सब के बीच जो हमें जानकारी, तंसीम हैदर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तंसीम, देखिए 11 बजे का वक्त था, वो डीले होकर 12:30 हो गया, लगातार पूछताछ एनसीबी की ओर से की जा रही है, लेकिन आज जेल या बेल पर फैसला होना है, लेकिन सबूतों के आधार पर जो बचाव पक्ष है उसको पूरी उम्मीद है कि बेल मिल जाएगी, क्योंकि आर्यन खान के पास से नारकोटिक सब्सटेंस की बरामदगी नहीं हुई है। क्या लग रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या जानकारी मिल रही है? जी, जो बचाव पक्ष है, सतीश माने शिंदे जो वकील हैं, अगर उनकी माने तो इस पूरे मामले में उनका पक्ष बेहद मजबूत है। उनका कहना है कि किसी ड्रग्स की आर्यन के पास से किसी भी तरह की बरामदगी नहीं हुई है, लिहाजा उन्हें पूरी उम्मीद है कि अदालत से फैसला जो है वो उनके हक में होगा। लेकिन जाहिर है जो एनसीबी के अफसर हैं उन्होंने अपना कल ही दावा कर दिया था कि वो हर हाल में उनकी बेल को अपोज करेंगे, तो उस ये जो डिले हो रहा है ये इसी वजह से हो रहा है कि एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने वकीलों की टीम के साथ बैठ कर जो
जो बेल को अपोज करना है उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और एक सॉलिड अपनी बात रखना चाहते हैं कोर्ट के सामने, क्योंकि एक फॉरेन नेशनल को भी इन्होंने अरेस्ट किया है, तो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चल रही है, वो कहीं से ख़त्म नहीं हुई है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, और इसलिए लिहाजा इनको बेल ना दिया जाए। और बेल अगर होती है, क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं, तो ये जो एविडेंसेस हैं और गवाह हैं उनको टेम्पर कर सकते हैं। तो जाहिर है कि दोनों तरफ से तैयारियां बराबर हैं, और ऐसा भी है कि जो आर्यन खान की सुनवाई है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो, और जिनके पास से रिकवरीज दिखाई गई हैं उनकी सुनवाई सेशन कोर्ट में, बेल की सुनवाई बाकी जो एक्यूज्ड हैं उनकी भी होनी है। तो ये करीब 8 के 8 है जिनमें अलग अलग सुनवाइयाँ होनी हैं, लेकिन सबसे अहम सुनवाई जो है वो आर्यन खान की मानी जा रही है, और आर्यन खान के वकीलों को पूरा यकीन है कि उनको रिलीफ मिलेगा कोर्ट से। लखीमपुर में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्रा देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा को कत्ल के केस में नामजद आरोपी बनाया गया है, लेकिन अब तक केस में 2 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में इसी गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया। एफआईआर के मुताबिक घटना का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा है। पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पर आशीष मिश्रा समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया है। 3 अक्टूबर को दिल दहला देने वाली घटना हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ कत्ल का केस भी दर्ज हो गया, लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये तब है जब तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं। पीड़ित परिवार सीधे तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को साजिश का सूत्रधार बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर आशीष मिश्रा को कौन बचा रहा है। क्या सियासी पहुंच और सत्ता के रसूख के दम पर आशीष मिश्रा गिरफ्तारी से बच रहा है? क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा होने की वजह से पुलिस आशीष मिश्रा के गरेबा पर हाथ डालने से बच रही है? चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 दिनों में 50 से ज्यादा मीडिया इंटरव्यू देने वाले आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे हाथ से अब तक दूर हैं। आज तक से बातचीत के दौरान आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने जो कहा, सबसे पहले उसे बहुत गौर से सुनिए, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार है? ये कह पाना लीगली, तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है, गिरफ्तारी की कोशिश है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के सवाल का जवाब आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने दिया, लेकिन उन्हें बोलने से पहले 4 सेकंड तक सोचना पड़ा। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार है? हालांकि आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने यह खुलासा भी किया कि आशीष मिश्रा की तलाश जारी है और बहुत जल्द गिरफ्तारी भी होगी। विवेचना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए एक अफसरों की कमेटी बनाई गई है, जिसके द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर जारी करके जनता से अपील की थी कि वो हमें इस संबंध में जो भी साक्ष्य हों वो उपलब्ध कराएं। कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं और जनता से हम आगे भी अपील करते हैं कि हम इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराएं। कमेटी द्वारा सभी का तकनीकी परीक्षण करवा के विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाएगा। सवाल यही है कि जो आशीष मिश्रा कल तक मीडिया में खुद को बेकसूर बता रहा था, आज वही आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश पुलिस से भागा भागा क्यों फिर रहा है? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए आशीष मिश्रा अंडरग्राउंड है? अगर है तो कहां है? संतोष शर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना 3 अक्टूबर को हुई। पिछले 4 दिन से इस घटना से जुड़े वीडियोस देश के तमाम मोबाइल फोन्स में घूम रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस के अधिकारी अपने नंबरों पर जनता से वीडियोस मांगते नजर आ रहे हैं। चार दिन बीत गए, 8 मौतें हो गईं, 4 कुचले गए और 4 गुस्से की आग में झुलस गए।
लेकिन गिरफ्तारी के नाम पर आर्यभट्ट के आविष्कार शून्य के अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। 3 दिन पहले से ही हादसे और हिंसा से जुड़े वीडियो आए तो पुलिस ध्यान मुद्रा में चली गई। जब दबाव बढ़ा तो वीडियो मंगवाने के लिए नंबर जारी कर दिए और साक्ष्य मिलते ही जांच शुरू करने की बात कही। हमने लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह से एक सीधा सा सवाल पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और अभी तक कहां क्या क्या सबूत मिल पाए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, विवेचना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपादित कराने के लिए एक अफसरों की कमेटी बनाई गई है जिसके द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। हमने एक नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी करके जनता से अपील की थी कि वो हमें इस संबंध में जो भी साक्ष्य हों वो उपलब्ध कराएं। कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं और जनता से हम आगे भी अपील करते हैं कि हम इस तरह के साक्ष्य उपलब्ध कराएं। कमेटी द्वारा सभी का तकनीकी परीक्षण करवा के विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाएगा। विवेचना पारदर्शी, निष्पक्ष और संपादित, हिंदी भाषा के उत्कृष्ट शब्दों का चुनाव किया गया। लेकिन बात ऊपर से गुजर गई, कोई सीधा सरल अर्थ नहीं निकला। लखीमपुर खीरी में हुई घटना की FIR में आशीष मिश्रा पर हत्या की धारा 302 के साथ साथ लापरवाही से हुई दुर्घटना की मौत की धारा 304A भी लगाई गई है। आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है। यानी पुलिस को नहीं पता कि आशीष मिश्रा इस वक्त कहां है। जब आशीष मिश्रा के बारे में सवाल पूछा जाता है तो अधिकारियों के सोच विचार का टाइम बढ़ जाता है, चुप्पी फैल जाती है, जवाब संभल संभल कर आते हैं। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली, तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। लखीमपुर की घटना के सबसे अहम वीडियो में दिखी थार SUV आशीष मिश्रा की है। और एक पूछताछ में ये दावा भी हो चुका है कि काली फॉर्च्यूनर और सफेद स्कॉर्पियो कार कांग्रेस नेता अखिलेश दास के बेटे अंकित दास की है। भैया, अखिलेश दास के भतीजे हैं। अंकित दास, अखिलेश दास के? अच्छा, लखनऊ वाले जी। वो यहाँ आए थे जी, उन्हीं की गाड़ी थी जी, फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो जी, तुम भी थे उसी गाड़ी में जी। लेकिन अभी तक इनसे पूछताछ नहीं हुई है। इस मामले में 6 सदस्यों वाली SIT का गठन किया गया है। इसके अलावा एक न्यायिक जांच भी बैठाई गई है जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे और अगले 2 महीने में इसकी रिपोर्ट देंगे। लखीमपुर खीरी से संतोष कुमार, समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। लखीमपुर हिंसा मामले की बात करेंगे जिसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्र 10 बजे पेशी थी, लेकिन 10 बजे वो पेश नहीं हुए। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। हम आपको बता दें कि आशीष मिश्रा अब तक जांच टीम के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि परिवार वालों ने दावा किया है कि आज ही आशीष मिश्रा पेश होंगे, लेकिन जांच टीम के सामने यानी कि क्राइम ब्रांच के सामने 10 बजे आशीष मिश्रा की पेशी होनी थी। आशीष मिश्रा के परिवार का कहना है कि वो लापता नहीं हुए हैं। आशीष के चचेरे भाई ने आज तक से बातचीत की है। आशीष के भाई का कहना है कि वो शाम तक SIT के सामने जरूर पेश होंगे। आशीष मिश्रा के भाई अमित मिश्रा हमारे साथ में है। ये बताइए, लगातार बोला जा रहा है कि आशीष मिश्रा यहाँ पर नहीं है, समन का नोटिस बिछा हुआ है, कहाँ पर है इस वक्त आशीष? नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनबीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनबीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं। था पुलिस ने 10 बजे का, वो एक्सपायर हो चुका है। हाथ में दिया है तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है। अब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि अब थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी लेकिन हर हालत में पेश होंगे। वहाँ पेश होंगे। क्या उनके पास में साक्ष्य मौजूद है, एविडेंसेस की बात हो रही है? बार बार वो कह रहे वो घटना स्थल पे नहीं थे। साक्ष्य सब दिए जा चुके हैं, कार्यक्रम स्थल पे वो थे, घटना स्थल पे नहीं थे। ये आदमी 2 जगह एक साथ कैसे हो सकता है? उस दिन वो कहाँ पर? उस दिन वो बनबीरपुर में जो कार्यक्रम स्थल था, जहाँ पे दंगल चल रहा था, वहाँ पे मौजूद। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि वो उस गाड़ी में थे, वीडियो जो बाहर आए। आदमी दिखाए ना, अगर कहने से क्या होता है? कहने का हम कह रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी भी बैठे थे, क्या ऐसे क्या कहने से किसी मान लिया गया? एक फोटो दिखाओ, एक साक्ष्य दिखाया आदमी, ऐसे
कह दिया और ऐसे थोड़ी ना मान लिया जाए। सवाल बार बार हो रहा है कि इतना समय हो गया आकर के अपने बयान क्यों नहीं दर्ज कराए जब लगातार उनका नाम अब बुलाया गया है। आप लोग अभी तक आए बयान लेते रहे, कहीं छुपे तो नहीं? मंत्री जी ने भी दिया बयान। तो दो दिन से कहाँ है? दो दिन से तो नहीं दिखाई दे रहा। दो दिन से आदमी की इधर तबीयत भी, वही मैं बता रहा हूँ कि उसको इधर वायरल भी हो गया है और उसके अलावा इधर थोड़ा सा देखिए, कुछ भी हो, एक छोटा सा भी मैटर हो जाता है, घर में किसी के साथ हो जाता है तो सब लोग थोड़ा सा मेंटली भी एक स्ट्रेस होता है, वायरल भी है उसके। एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आवेदन देंगे क्या, या वो किसी तरीके से? नहीं, अगर बेल की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल दी जाएगी। वैसे तो बाकी कहीं कुछ है ही नहीं, तो एक जबरदस्ती का बना दिया गया है इशू, ये केवल एक राजनीतिक स्टंट इसको बना रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ये चुनाव आ गए हैं तो बस, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कांग्रेस बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है और कहीं कुछ नहीं है। तो कांग्रेस की क्या आपको साजिश लग रही है? बिल्कुल है साजिश। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वो क्या चीज दिख रहा है? वीडियो में जो दिख रहा है बार बार ये दिख रहा है कि वो बराबर खूब लाठियों से मारा गया है, उन लोगों ने हत्या करी है। हमारे खिलाफ कोई अगर एविडेंस हो तो बताइए। हमारे तो आशीष तो छोड़िए, हमारे घर का एक भी, कोई भी घर का बच्चा या कोई भी सदस्य भी अगर वहाँ पे कोई पाया गया हो तो बता दे आदमी। खाली थार वो चला कौन? वो थार गाड़ी चला कौन रहा था? वो ड्राइवर हरिओम था जो जिसकी मृत्यु हो गई, वही चला। आज आएंगे, पहुंचेंगे लखीमपुर? बिल्कुल पहुंचेंगे। और हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, हमने सुना क्या कुछ कहना था आशीष मिश्रा के भाई का, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि अगर वो निर्दोष है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो क्राइम ब्रांच ने जो समय तय किया था 10 बजे, क्यों नहीं वो पेश हुए? देखिए, बिल्कुल यही एक यक्ष प्रश्न है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 10 बजे आशीष मिश्रा अगर बेगुनाह है तो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? क्योंकि घटना के बाद से तो न सिर्फ आशीष मिश्रा बल्कि उनके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, वो भी सामने आ रहे थे और लगातार घटना के 2-3 दिन तक वो लगातार मीडिया के सामने आते रहे। हमने खुद बात की, घटना वाले दिन बात की उसके बाद, लेकिन अभी बीते 24 घंटे से, कहा जाए 48 घंटे से, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। आशीष मिश्रा की जैसे ही पुलिस ने भूमिका तय की कि आशीष मिश्रा से भी पूछताछ की, उसके बाद से आशीष मिश्रा लोकेट नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो आशीष मिश्रा को स्वतः सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि उनकी क्या भूमिका है। पुलिस ने इसी बात का सीआरपीसी का 160 का नोटिस उनके घर पर चस्पा कर दिया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सुमित जायसवाल को भी पूछताछ के लिए लखीमपुर पुलिस ने बुलाया है। सुमित जायसवाल के घर वालों को भी 160 सीआरपीसी का नोटिस दे दिया गया, यानी जो नोटिस आशीष मिश्रा के परिवार को दिया गया वही उनके घर वालों को दे दिया गया है। सुमित जायसवाल वही शख्स है जो थार गाड़ी से भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ सुमित जायसवाल, संतोष लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिए। वहीं लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा अब तक पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। पुलिस ने 10 बजे तक वक्त दिया था आशीष मिश्रा को पेश होने के लिए, लेकिन पुलिस को इंतजार ही करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने कल ही आशीष मिश्रा के 2 घरों पर पूछताछ का नोटिस चस्पा कर दिया था, लेकिन आशीष मिश्रा अब तक पुलिस की नजरों से ओझल है। दिन का सूरज चढ़ चुका है लेकिन आशीष मिश्रा का उदय नहीं हुआ है। घर के बाहर चस्पा इस नोटिस को अभी अमल का इंतजार है, क्योंकि खुद यूपी पुलिस इंतजार कर रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र खुद दर्शन देने आएंगे और यूपी पुलिस को किरकिरी से बचा लेंगे। लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस की तरफ से कल समन जारी किया गया था, जिसका नोटिस उनके घर पर भी चस्पा किया गया था। इस नोटिस में साफ तौर पर यही लिखा है कि 8 तारीख यानी आज उन्हें सुबह 10 बजे तक अपनी पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन में अपनी व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर लिखित वस्तु मौखिक और भी जो भी एविडेंसेस उनके पास है वो लेकर के उन्हें पेश होना है, ये नोटिस लगाया गया था। कितनी दिलचस्प बात है कि इसी लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा डंके की चोट पर अपनी बेगुनाही बताते रहे। एफआईआर में नाम शुमार होने के बाद भी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा अडिग थे कि उनका कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा आपने कुछ नहीं किया, आप स्पॉट पे नहीं थे, सारी बातें माननी, तो एफआईआर में आपका नाम क्यों लिखा गया? अब ये तो उन लोगों ने दबाव बनाया हो या जो भी हो भाई, पुलिस पर दबाव बनाया उन लोगों। अब कार तो बीजेपी की ही है, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता भाई? देखिए लोकतंत्र है, उन्होंने ये दिखाया, उसका प्रमाण वो दे। अगर हम वहाँ पर थे, हमारे उन्होंने दबाव तो कंप्लेंट बनाया होगा, एफआईआर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की बात करती है। नहीं नहीं, कंप्लेंट उन्होंने करी है, बाकी एफआईआर हुई है या नहीं हुई है इसके विषय में तो हमको नहीं पता है कि क्या है। एफआईआर तो हुई। अच्छा अच्छा, तो वो विशेष जानकारी हमारी नहीं, लेकिन मुझको कानून व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। और आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी तो बेटी की गिरफ्तारी की बात होते ही भड़कने लगते। अभी कहाँ है बेटे? हमारे यही है लखीमपुर में है। उनके ऊपर तो एफआईआर हो गई।
तो FIR हो गई तो क्या हो गया, जांच हो रही है, भाई है वो, पुलिस उनको पकड़ने नहीं है। नहीं, क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटना स्थल पर, क्यों पकड़ेगी, पहले सबूत तो इकट्ठा करें। वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है। नहीं है कोई को, एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ, अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। शायद रसूखदार पिता पुत्र को कहीं ना कहीं ये गुमान था कि उनका रुतबा कानून की गिरफ्त से उन्हें बचा लेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। चौतरफा राजनीतिक दबाव ने पुलिस को इस आलीशान घर के मुख्य द्वार पर बुलावे का नोटिस चस्पा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये कि आशीष मिश्रा कहाँ है, यूपी पुलिस कब तक हाथ पे हाथ धरे एक आरोपी का इंतजार करती रहेगी। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार है, ये कह पाना लीगली, तो जब तक कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है। अब जरा यूपी पुलिस की इस नोटिस को गौर से देखिए, इसमें साफ लिखा है मुकदमा संख्या 219/2021 धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304, 302, 120B थाना तिकुनिया जनपद खिरी के संबंध में जो तथ्य आपके संज्ञान में है उन्हें प्रकट करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 8/10/2021 को समय 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन जनपद खिरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वस्तु लिखित और मौखिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। यानी कि FIR में संगीन धाराएं लगाई गई हैं और यूपी पुलिस खुद कह रही है कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, तो फिर आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है। संतोष शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, लखीमपुर आज तक। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश फिर से भड़क गया है। स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की हत्या के खिलाफ लोग श्रीनगर में सड़क पर उतर आए। आपको बता दें कि कल की आतंकी घटना पर बारामूला में लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की अंतिम यात्रा के दौरान हुआ है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, श्रीनगर और जम्मू की। आपको बता दें कि कल ही एक आतंकी घटना में ईदगाह के पास के एक सरकारी स्कूल में अचानक से अंधाधुंध गोलियां बरसने लगी, जिसमें 2 से 3 आतंकी घुसे थे और उन्होंने वहां की प्रिंसिपल और एक शिक्षक को मार दिया। जम्मू से सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कल भी आप परिवार वालों के साथ थे, हमने देखा था वो गम का माहौल, लेकिन आज वहां आक्रोश है, आज वहां पर लोगों में गुस्सा और तकलीफ देखने को मिल रही है। सुनील, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल श्वेता, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल बताइए। सुनील, कल आप परिवार वालों के साथ थे, दीपक के परिवार वालों के साथ, जहाँ हमने देखा कि गम और सदमे का माहौल था, लेकिन आज वहाँ पर आक्रोशित लोग हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आज जम्मू की सड़कों पर जो है उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज के अलग अलग जो संगठन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज को जो है कश्मीर घाटी में सुरक्षा दी जानी चाहिए। हम यहाँ पर प्रदर्शनकारी से बात करते हैं, लगातार जो अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज के लोगों की हत्याएं हो रही, क्या कहें, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। मैं अपने गवर्नर साहब से, नौसेना से अपील करूंगा, जब तक ये घर घर से जो उग्रवाद है, जो उनको कुचला नहीं जाएगा, तब तक ये मसला खत्म होने वाला नहीं है। बहुत जरूरी हो गया, अब वक्त आ चुका है इनका सिर कुचलने का। तो श्वेता, आप सुन सकते हैं यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो है कड़ी नीति अपनानी पड़ेगी, ठोस नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नेता है युद्धवीर सेठी, इनसे भी बात करते हैं। युद्धवीर जी, कहीं ना कहीं सरकार की भी विफलता है कि अल्पसंख्यक हिंदू समाज की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं को और हिंदुस्तानियों को मारा जा रहा है, सरकार की द्वारा फौजी भाइयों की तरफ से जो सख्ती की गई थी सीमाओं के अंदर,
उससे हथियार बड़े बड़े तो आ नहीं रहे, आतंकवादी भी आने बंद हो चुके हैं और साथ में हवाला पैसा भी बंद है, इसलिए ये लोग सर्जिकल छोटे रिवाल्वरों से सिलेंसर लगा के बेगुनाहों को मार रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी निर्दयी हत्याओं के लिए। पर मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, वहाँ का जो सिविल सोसाइटी वो क्यों चुप बैठी हुई है, वो क्यों नहीं सड़कों पे निकल रही? सो काल वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले, जब कोई व्यक्ति मर जाता था वहाँ पे आतंकवादी या उसका परिवार का बंदा, तो ह्यूमन क्राई करते थे विश्व भर के अंदर, आज उनके मुंह क्यों बंद है? उसके साथ साथ वहाँ के जो कश्मीरी नेता, जो लोग वहाँ पर 70 सालों से राज कर रहे, परिवारवाद की राजनीति करके जिन्होंने यहाँ तक कश्मीर को पहुँचाया, वो सिर्फ कमरे में बैठ के बयान देंगे, वो क्यों नहीं सड़कों पे वो लोग आ रहे हैं? और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो बड़ा जरूरी कदम है कि मैं पूरे देश को बयान करता हूँ। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू से जानकारी देते हुए, वहां पर इस वक्त ये पूरा माहौल गर्मा चुका है। मंगलवार को श्रीनगर में कश्मीरी पंडित एमएल बिंद्रू समेत 3 निर्दोष नागरिकों की जान लेने के बाद कल श्रीनगर में ही आतंकवादियों ने एक स्कूल में घुसकर स्कूल के 2 टीचर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। आज एक बार फिर कश्मीर का सुकून आतंकवादियों की गोलियों ने छीन लिया। आज एक बार फिर कश्मीर में आतंकियों ने दरिंदगी को अंजाम दिया। आज एक बार फिर अनपढ़ जाहिल आतंकवादियों ने खूनी वारदात को अंजाम दिया। रोजाना हंसते मुस्कुराते बच्चों से गुलजार रहने वाले श्रीनगर के सरकारी स्कूल में आज हर चेहरे पर मौत का मातम है। स्कूल में आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर 2 टीचर्स की जान ले ली। हमारे टी ब्रेक थे, हम चाय पी रहे थे इस कमरे में, तो ये बाहर बैठे थे। अच्छा। हमें बहुत शोर सुने और फिर जब हमें फायर सुने तो मतलब हमें गन शॉट सुने तो हम मतलब शॉक हो गए कि हमने खिड़की से देखा तो यहाँ पे मतलब शोर सा थोड़ा यहाँ पर। फिर हम जब बाहर निकले, फिर लोकल्स भी आए, लोकल्स जब यहाँ आए तो फिर हमने मतलब देखा कि हम मतलब बाहर भी नहीं निकल पाए। तो बाहर निकले तो वहाँ पे मैडम और दीपक सर टीचर एक हमारा वो गिरा हुआ था वहाँ। मैं इस वक्त शॉक में हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता कि मतलब क्या मतलब। ये हमारी प्रिंसिपल मैम थी, ये हमारी मतलब बड़ी बहन थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, इतनी एज तो 45 इयर्स थी। इस घटना को अपनी आंखों से देखने वालों के चेहरे पर छाए खौफ से अंदाजा लगाइए कि आतंकियों ने कितनी बेरहमी से टीचर्स की हत्या की। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी अचानक स्कूल में दाखिल हुए। स्कूल में दाखिल होते ही आतंकवादियों ने स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को नजदीक से गोली मारी और फिर एक और टीचर दीपक चंद को भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। जिस तरह आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उससे शक है कि ये टारगेटिंग किलिंग है। आतंकवादियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों को ही निशाना बनाने के लिए स्कूल पर अटैक किया था। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे, उस तरह के इरादे से जहां पर हो रहा है, जो जहां का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। स्कूल पर दिन दहाड़े आतंकी हमले से पूरे श्रीनगर में सन्नाटा पसर गया है और आतंकवादियों की गोलियों को शिकार हुए टीचर्स के परिवार की चीखें कलेजे को चीर रही हैं। ये 50% अपनी पे गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, राह चलते हुए को भी उस पे ही खर्च करते थे। कभी भी उन्होंने शिकवाया कुछ नहीं। एक मुसलमान लड़की, एक यतीम लड़की थी, उसे इसने गोद लिया था और हमारे घर उसको कहा कि 15,000 रुपये पर महीना मैं दूंगी, इसको आप पाले क्योंकि ये मोमडन लड़की है।
आतंकवादियों की गोली का शिकार हुई स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और दीपक चंद के परिवार वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आपकी दीपक से कब आखिरी बार बातचीत? आज सुबह 11 बजे बात हुई थी, बस थोड़ी सी बात हुई। उन्होंने व्रत रखा हुआ तो वो गाड़ी में बैठे थे, बस उसके बाद कोई बात नहीं की मैंने, थोड़ी सी बात हुई उनसे बस। वो स्कूल में ही बैठे थे गाड़ी में बस। पापा जी जल्दी आ जाओ, पापा आए। पृथ्वी ने उनको सिखाना पापा, पृथ्वी भी नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुमने बिना। आए रोज राती अपने पापा ही लोरी सुनान दी फोन च, पापा जी आप सो जाओ। श्रीनगर में स्कूल पर आतंकी हमले के बाद रेड अलर्ट है। अकेले श्रीनगर में पिछले 3 दिन में 5 लोगों की जान दिन दहाड़े आतंकवादियों ने ली है और हर बार आतंकवादी भागने में कामयाब रहे हैं। जाहिर है सवाल तो सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी पर भी उठेंगे। कहीं न कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिस अंदाज से लोगों की जान जा रही है और साफ टारगेटिंग किलिंग्स में जो मिलिटेंट है, आतंकी संगठन है, वो कामयाब हो रहे हैं, उसने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी।